भाजपा प्रदेश कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, संगठनात्मक बैठकों को लेकर मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। और इससे पहले जब एक बैठक हुई थी, आपको याद होगा, उसमें बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता पहुंचे थे और फिर उसके बाद विजन भी बताया था बैठकों का। लेकिन अब साझा तौर पर जानकारी देने के लिए सीपी जोशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बैठकों का क्या मकसद है, क्या प्लान बीजेपी ने रखा है, क्योंकि लक्ष्य तो तय है लोकसभा चुनाव में 25 सीटें जीतने का राजस्थान के लिहाज से। झाबड़ सिंह खर्रा को भी आपने सुना था और फिर उसके बाद माननीय सुनील बंसल जी के सानिध्य में तीन बैठकें लगातार हुई, मैराथन बैठकें हुई। पहली बैठक में लोकसभा के संयोजक, लोकसभा के प्रभारी और सह प्रभारी आगामी दिनों में जो कार्यक्रम प्रत्येक लोकसभा केंद्र पर होने वाले हैं उसकी कार्य योजना पर चर्चा। दूसरी बैठक 25 फरवरी से 5 मार्च के बीच में लाभार्थी संपर्क अभियान, जिसमें प्रत्येक लाभार्थी के पास पार्टी का कार्यकर्ता उनके घर पर पहुंचेगा, अपना पत्रक, मोदी जी का पत्रक और मोदी जी का स्टिकर घर पर लगाएगा। और ये बड़ा वृहत अभियान है। अभी ही हम लोग गांव चलो अभियान के माध्यम से हर गांव में पार्टी का दायित्ववान कार्यकर्ता 24 घंटे के योजना से वहां रुक के आए। और अब लाभार्थी संपर्क अभियान के माध्यम से 25 फरवरी से 5 मार्च के बीच में ये बहुत बड़ा अभियान पूरे प्रदेश भर में चलने वाला है। इसके बाद अटल संवाद केंद्र, जो हमारे गतिविधियों का और सूचनाओं का केंद्र है, उसके बारे में पूरे प्रदेश से आए हुए सभी इंचार्ज के साथ बातचीत हुई। मैं सोचता हूं कि आज दिन भर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय सुनील बंसल जी ने इन तीनों बैठकों में प्रदेश की टोली का आगामी कार्यक्रम, योजना और उनका क्रियान्वयन कैसे हो, इसके बारे में विस्तृत चर्चा की। राजस्थान में चूंकि विधान पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पूरे प्रदेश की टीम ने भी अपनी योजना बनाई है और केंद्र की योजना से भी इन सभी कार्यक्रमों को लेकर कार्य